चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नरा पंचायत स्थित बुरचा डी में धनु मातो के घर से बीती रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा नकदी समेत 70,000 के जेवरात की चोरी की गई। भुक्तभोगी सुरजी देवी ने घटना को लेकर नर्रा मुखिया निरंजन मातो को जानकारी दी। वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जानकारी चंद्रपुरा थाना को दिया। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर घटना की सारी जानकारी ली। इस संबंध में भुक्तभोगी सुरजी देवी ने बताया कि मेरा पति व बेटा दूसरे राज्य के काम करने गए हुए हैं। घर में बेटी और हम रहते हैं और रात को लगभग 12:30 बजे शौच करने के बाहर निकले हुए थे और बिजली भी कटा हुआ था। अंधेरा कहीं लाभ उठाकर उन लोग हम लोग से पहले घुसकर घर में छुप गए होंगे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाया। इसके पश्चात हम लोग 1:30 बजे के करीब उठे तो पूरा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तब जाकर हम लोग ने हो हल्ला किया तो आसपास के लोग जमा हुए। तब जाकर देखे कि अटैची बैग बक्सा घर के बगल में झाड़ी में पड़ा हुआ है। इसके साथ ही रखे गाड़ी का किस्त का पैसा 10,000 का नगद के अलावा सोना का चैन, कान का बाली, सोना का पादुका, चांदी के 2 जोड़ा पायल की चोरी हुई है। घटना के संबंध में SI जीत मोहन स्वासी ने कहा कि चोरी की घटना को जल्द उद्भेदन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व उप मुखिया सुरेश मातो, मकंद मातो, दामोदर पांडे, वासुदेव ठाकुर, लक्ष्मण मातो, राजेश मातो समेत काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।